हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल रीजनिंग के अंदर। तो जो इतने बच्चे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो आज हम एक बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में, RRB PO RRB क्लर्क 2020, जो अभी अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के तैयारी में होंगे, कुछ बच्चे तैयारी कर भी रहेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस एग्ज़ाम को देने की सोच रहे होंगे। ये एक बैंकिंग सेक्टर में अगर माना जाए तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहला एग्ज़ाम है जो हर साल इसका कैलेंडर जनवरी में ही रिलीज़ हो जाता है और इसका एग्ज़ाम अगस्त में होता है। एक ऐसा एग्ज़ाम जो हमेशा ऑन टाइम रहता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, इस पर इतना टस से मस भी नहीं होता एग्ज़ाम, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बैंकिंग एग्ज़ाम TCS जो एग्ज़ाम है, TCS हमेशा जानी जाती है किस चीज़ के लिए, कि आप लोग का एग्ज़ाम ऑन टाइम होता है, ऑन टाइम एग्ज़ाम के लिए ये जानी जाती है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हर बच्चे के मन में होता है। और अभी भी अगर आज आप सोच रहे होंगे तो आपके मन में, अगर आज अपने दिल से पूछोगे तो आपके मन में यही बातें आएंगी, यही तीन बात आपके दिमाग में आएगी। क्या तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम तो देना है हमें, एग्ज़ाम देने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर तैयारी कैसे करें। नोटिफिकेशन आएगा भी नहीं आएगा, इतनी बड़ी महामारी चल रही है, क्या नोटिफिकेशन आएगा, सभी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, क्या हो पाएगा एग्ज़ाम, या फिर ऐसे कितने नंबर लेके आएगा। चलो मान लो तैयारी भी कर लेते हैं तो कितने मार्क्स लेके आएँ कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सारे पॉइंट्स पर बारीकी से बात करते हुए, डिटेल में एनालिसिस करते हुए, जितना लास्ट ईयर पेपर हुआ है, क्या पैटर्न रहा है, क्या चीज़ हुई है, सबको एनालाइज करते हुए आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। बहुत ध्यान सुने, जितने बैंकिंग एक्सपीरियंस उन सभी के लिए, ये जरूरी नहीं है कि बेटा आरआरबी के लिए ही बातें चल रही हैं, ये बात है बैंकिंग सेक्टर के लिए जो आरआरबी से शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बातों को, इंपॉर्टेंट चीजों के। पहली बार आपको सभी को पता है कि आपका जो डेट्स आई हुई है आरआरबी की, वो डेट से फर्स्ट अगस्त 2nd अगस्त, ये आपकी डेट है, ठीक है, ये आपकी डेट है जो आरआरबी के एग्ज़ाम की डेट्स हैं, जो आ चुकी, मतलब अभी रिलीज़ हो चुकी थी कैलेंडर रिलीज जनवरी में। अगली बात हम करते हैं कि बहुत बच्चे के मन में डर है कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, हर साल का टाइम क्या है, अगस्त में, हर साल अगस्त में इसका एग्ज़ाम होता है, 15-20, मतलब फर्स्ट 15 डेज में हमेशा एग्ज़ाम रहा है इसका। और हमेशा ही इसका जो कैलेंडर रिलीज़ होता है वो June 15 के बाद ही रिलीज़ होता है, हमेशा की तरह, कोई इफ एंड बट नहीं है इसके अंदर, हमेशा की तरह 15 के बाद ही रिलीज़ होता है। तो अभी जून ख़त्म हुआ नहीं है, हो सकता है जुलाई के एक दिन पहले रिलीज़ हो जाए, क्या पता 1 जुलाई को रिलीज़ हो जाए, क्या पता एक दिन बाद रिलीज़ हो जाए, तो आसपास रिलीज़ होने वाला है। तो ये सोचना भूल जाइए कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। अगर उसे कैंसिल करना होता, इसका कैलेंडर जनवरी में रिलीज़ हो चुका है था, जनवरी में आ गया था, इसको पता था कि हमें अगस्त में एग्ज़ाम करवानी है। अगर इसको कैंसिल करना होता तो अभी तक कोई नोटिस दे चुकी होती कि एग्ज़ाम हमें कैंसिल करना है, पर इसने अभी नोटिस नहीं किया है। इसका मतलब साफ है, एग्ज़ाम होगा, चाहे हफ्ते भर का डिले हो जाए उसमें कुछ गारंटी नहीं है, पर एग्ज़ाम होके रहेगा, ऑन टाइम रहेगा, कुछ एक दिन का फ़र्क रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा मानने वाली बात है नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम किताबें खोलेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज से तैयारी करना चालू करोगे तब जाके हो पाएगा आपकी तैयारी, वरना नोटिफिकेशन आने के बाद तो पूरी दुनिया लगेगी बेटा, आपको उस दुनिया से अलग कैसे बनाएगा अगर तेरे आज से करेंगे। यही जो टाइम है, यही 10 दिन जो है आपको उन बच्चों से अलग बनाएंगे जो नोटिफिकेशन बाद तैयारी करने बैठेंगे, यही आपको उन लाखों करोड़ों बच्चों से अलग बनाएंगे जिससे आप, जिसकी वजह से आप 10 से 12 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब कुछ और बातें करते हैं इसके अंदर, आरआरबी की हम बात करेंगे, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात एक और भी है जो आपका प्रूफ दे रही है कि एग्जाम होकर रहेगा, SBSO का एग्जाम आ चुका है, सभी को पता है SBSO का एग्जाम होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम जो होता है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं रिलीज हुए, इसका मतलब बैंकिंग के एग्जाम्स होके रहेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये बात आई थिंक क्लियर हो चुकी है आपको, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। अब मैं दो पॉइंट से बात करूंगी, तैयारी कैसे करें और कितने मार्क्स लेके आए, सिलेक्शन कैसे होगा, इन दो पे हम बात करने वाले हैं। पहली बात हम देख लेते हैं आरआरबी का एग्जैक्टली पैटर्न होता क्या है, आरआरबी का पैटर्न क्या है। आरआरबी का एग्जाम 2 पार्ट्स में होगा, अगर क्लरिकल की बात करें, क्लरिकल 2 पार्ट्स में होता है, एक प्री होता है, एक मीन्स होता है। अगर आप पीओ की बात करें, ऑफिसर ग्रेड की बात करेंगे, तो उसमें 3 लेवल्स होते हैं, पहला प्री होगा जैसे पता है, दूसरा मीन्स होगा वैसे पता है, और तीसरा क्या होगा आपके पास, इंटरव्यू हो जाएगा।
पीओ के अंदर इंटरव्यू होता है लेकिन क्लरिकल के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है, ये बात सिर्फ सिंपल सी बात है। पीओ का एग्जाम पैटर्न क्या है, सेम रहता है। पीओ का एग्जाम है रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। क्वांट्स में, क्वांट्स मैथ्स को ही बोलते हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। ये प्री की बात होगी। 45 मिनट्स मिलेंगे आपको उसको पेपर करने के लिए, 45 मिनट में ये सवाल करने हैं आपको। अब मेंस की बात करें, मेंस में क्वांट्स मतलब मैथ्स, मैथ्स में 40 सवाल आएंगे और 40 सवाल 50 नंबर के होंगे। रीजनिंग में 40 सवाल आएंगे, 40 सवाल 50 नंबर के होंगे। हिंदी इसमें जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होता है वो ये बेनिफिट है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे अरबी की तरफ भागते हैं, क्योंकि इसमें एक बैंकिंग का एक ऐसा एकमात्र पेपर जिसमें हिंदी आती है, एकमात्र पेपर है बेटा जिसमें इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी में टोटल पेपर हिंदी में दे सकते हो। वरना आप किसी की बात करें, IBPS PO की बात करें, IPS क्लर्क की बात करें, SBI की बात करें, हमेशा इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में देना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इस चीज़ की वजह से इसे हम स्पेशल एग्ज़ाम भी, ये उन बच्चों के लिए एक मतलब एक बून है, एक एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग भागते हैं बैंकिंग सेक्टर की वजह से, क्योंकि इसमें हिंदी आती है। हिंदी के क्वेश्चन या फिर इंग्लिश मान लीजिए 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, इसमें कंप्यूटर भी आती है 40 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, और जीके बैंकिंग जीके हुए, करंट अफेयर्स हुए, सब कुछ मिलाकर जीके आती है, वो जीके आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये तो बात हुई पैटर्न की कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, और इसके लिए टाइम मिले 2 घंटे मिलते हैं इनको पेपर को करने के लिए, आपको 2 घंटे कंबाइन आवर्स मिलते हैं, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, सबको पता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर, ये बात सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये बात हुई एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम के पैटर्न क्या है, क्या चीज़ एग्जाम में आती है, क्या चीज़ एग्जाम में नहीं आती है। अब बात करते हैं, ये बात होगी, अब बात करते हैं कट ऑफ की और आपको तैयारी शुरुआत कैसे करनी है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब बात करें हम कट ऑफ की और उसकी बात करते हैं। एक सेकेंड, अगर आपने एनालाइज किया है, खुद ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो बता देती हूँ आपको मैं। जो पीओ का पेपर होगा बेटा, जो पीओ का एग्जाम्स होगा उसका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। प्री की बात करते हैं, अभी पहले हम प्री की बात करते हैं, मेंस की बाद में बात करें क्योंकि पहले एग्जाम प्री का होगा। प्री की बात करते हैं हम लोग, प्री की अगर बात करें 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स के अंदर आपको पता होना चाहिए जो आपका इसका कट ऑफ जाती है वो 55 के आसपास आती है, 55 प्लस, ये शुरुआती रेंज है। मतलब आपको पता है ग्रामीण बैंक का जो पेपर होता है वो स्टेट वाइज होता है, आप अब जिस स्टेट जाते हो दे सकते हैं आप लोग, स्टेट वाइज होता है एग्जाम, तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो ये 55 के प्लस आती है हमेशा, हमेशा से 55 प्लस गई है। पीओ की बात करें, अगर आप क्लैरिकल की बात करेंगे तो यही कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आपकी शुरुआत होती है कहाँ से, आपकी शुरुआत ही 65 से होगी, यहाँ पे शुरुआत ही 65 से होती है और ये भरते हुए जाती है 70, यहाँ तक कि कुछ कुछ स्टेट्स की 78 तक कट ऑफ भी गई है। तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, क्लैरिकल ही कट ऑफ जाता है क्योंकि पेपर इजी होता है, पेपर का लेवल डाउन जाता है तो कट ऑफ भर जाती है। पीओ का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट सा होता है, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड पेपर आता है, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, इसकी कट ऑफ क्या होती है थोड़ी सी लो जाती है, थोड़ा सा मार्क्स थोड़ा सा देते रहते हैं, तो इसकी कट ऑफ जाती है 65 से लेकर 65 तक मेनली, ज्यादातर स्टेट्स में इतने किसके आसपास कट ऑफ रहेगी आपके, मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर इतनी रहेगी, कुछ ही स्टेट्स में 70 क्रॉस करती है, बहुत कम स्टेट्स के अंदर करती है। तो ये तरह ओवरऑल कट ऑफ, आप इतने मार्क्स लेके आने हैं आपको तो कम से कम पता ही है, जब इतने मार्क्स क्वेश्चंस करने हैं आपको, इतने मार्क्स लेके आने हैं तो कम से कम पेपर भी अच्छा खासा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्लेरिकल में तो आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, 100% पेपर, 100 नहीं तो मान लीजिए 80 में से 78 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, इतना अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सोच सकते हो कि एक आध गलत हो जाता बेटा, इंसान है हम लोग भी, एक आध गलत हो जाएगा, तो अराउंड आपको 76, 77, 78 के आसपास आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप पीओ की बात करते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही शानदार है, एक्यूरेसी पे काम कीजिए, बहुत ही शानदार एक्यूरेसी का आप काम करते हैं, तो इसमें आपको 80 में से अगर आप 70 भी स्कोर करते हो, या मैं मानूँ 65 से 70 के बीच में स्कोर करते हो, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 80 में 60 बहुत आराम से होते बेटा, पेपर देख के देखिएगा, बहुत आराम से अटेम्प्ट होते हैं। एक बार अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को, एक्यूरेसी बहुत ध्यान दीजिए, चाहे सवाल एक कम कर दीजिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक्यूरेसी में ध्यान दीजिएगा। एक और बात बताऊँ भाई को आपको मैं,
इसमें जो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, अगर आप लगातार सभी सवाल सही करते हैं तो आपको बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। आप बोनस मान लीजिए, नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन अगर आप सभी सवाल सही करते हो, मान लो पता मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने अटेम्प्ट कुछ कम क्वेश्चन किए थे पर मेरे मार्क्स ज़्यादा आए थे। ऐसा हुआ था मेरे साथ रीजनिंग के अंदर। मैंने रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए थे, मैंने 38 या 39 के अटैम्प्ट किए थे, पर मेरे सभी सवाल सही थे, गलत एक भी नहीं हुआ। इसकी वजह से मुझे बोनस मार्क्स मिले थे, एक नंबर या अपने डेढ़ नंबर के आसपास मुझे बोनस मार्क्स भी मिला था। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। आप एक्यूरेसी बहुत ध्यान दीजिए, स्पीड और एक्यूरेसी। अब बच्चों के मन में आ गया दिमाग में, अरे भाई अब ये क्या भला बता दिया आपने। अब बच्चों के मन में पहले दिमाग में आएगा, अब अगला सवाल जो बच्चों के मन में आ चुका हो इसको देखने के बाद, कि भाई मैम बता तो दिया आपने कि बढ़ाओ स्पीड, अब कैसे बढ़ाए। अब ये बड़ा स्पीड कैसे बढ़ती है और एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है, इस पे बहुत बड़ा गहरा सवाल बनता है आपके सामने। बहुत गहरा सवाल है, सबके मन में आता है ये स्पीड एक्यूरेसी कहने में इतना आसान होते हैं, उतना करने में बहुत टफ होते हैं। ये कैसे एग्जाम में किया जाए, दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, कैसे किया जाए। तो इसके लिए भी हमने पता है कुछ बात होंगी मेरे को, इनको कैसे किया जाए, एक्यूरेसी कैसे आती है, स्पीड कैसे आती है। एक दिन में तो आएगी नहीं, ये बात साफ है, सिंगल डे में तो आएगी नहीं आपको, ये तो बात साफ है। तो कैसे आएगी, क्या करें जो आ जाएगी इसकी, तो उसके लिए बात बताती हूँ मैम। तो उसके लिए क्या है, स्पीड एक्यूरेसी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेगुलर प्रैक्टिस। दोनों के लिए मैम, दोनों के लिए ये है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, स्पीड भी नहीं आएगी। लेकिन इन सबसे पहले एक्यूरेसी स्पीड पे काम करने से पहले आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट पे वर्क करना है, कंसेप्ट पे आपको वर्क करना होगा। एक बात तो बताती हूँ, मजे की बात बताओ, कंसेप्ट समझ याद है, एक और बात बताते हो मैं। अगर आप देखो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, किसका, आरआरबी का 80 मार्क्स का होगा, इसमें से 40 क्वेश्चन पता है कौन से होते हैं, इतने इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इतने इजी लेवल के, अगर आप कर लेते हो आराम से स्कोर कर पाओगे। बताते कैसे, समझ गया, जो आरआरबी के अंदर 80 में से जो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो 40 क्वेश्चन पता है कौन कौन से होंगे आपके, आपकी इनइक्वालिटी होगी, आपकी इनइक्वालिटी हो जाएगी, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन के हो गया, डायरेक्शन के सवाल हो गए, कुछ डायरेक्शन के सवाल हो जाएंगे, और आपका हो गया मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज होगी, मिसिंग नंबर सीरीज हो गई आपकी, ठीक है, स्लॉगिज्म हो गया आपका, स्लॉगिज्म हो गया आपका। और ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे जैसे अल्फाबेट वाली प्रॉब्लम्स आती है, अल्फाबेट वाली प्रॉब्लम्स हो गई, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो आती है 40 मार्क्स की, तो जो आप चुटकियों में कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, प्रॉपर कंसेप्ट पर ध्यान दिया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। आपको पता है अगर आपको सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्या आना चाहिए आपको, आपको टेबल्स रन होनी चाहिए, टेबल्स रन करिए, स्क्वायर्स याद कीजिए, क्यूब्स याद कीजिए, बॉड मास का रूल क्या होता है पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स याद होनी चाहिए बेटा आपको, डिविजिबिलिटी रूल्स कहाँ कहाँ में लगती है, ये सब चीज़ याद कर लो, अपने आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, टेबल्स याद कीजिए, टेबल्स ही लिख दी मैंने, टेबल्स याद कीजिए। अगर आपने ये जो 10 नंबर आते हैं 10 नंबर बेटा, ये बहुत बड़ा वेटेज है, 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आएगा आपके एग्जाम में, ये 10 मार्क्स बेटा, अगर आपने क्यूब, स्क्वायर, टेबल्स, बॉड मास, डिवीजन और फ्रैक्शंस, ये चार चीजें रट ली तो आपका सिंप्लीफिकेशन कहीं नहीं गया। सिंप्लीफिकेशन में आप लोग को 10 में से 10 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्वालिटी क्वेश्चन देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई है क्वालिटी क्वेश्चन की, इतनी सिंपल है, एक वीडियो देखना है आपके, आपको 20 मिनट का वीडियो है, उसको देखिएगा, उसके बाद क्वालिटी क्वेश्चन 5 नंबर कहीं नहीं गए, 5 नंबर कहीं नहीं गए। रक संबंध कितनी बार पढ़ोगे बेटा आप लोग, डायरेक्शन के सवाल कितना ईजी आते हैं, मिसिंग नंबर कितनी ईजी है। रेगुलर कीजिए आप लोग इसको, रेगुलर कीजिए, 10 सवाल रेगुलर कीजिए, अपने आप बन जाएगी। स्लॉगिज्म हुआ, अल्फाबेट केवल लर्न करना है, अल्फाबेट इनइक्वालिटी का मेरा वीडियो देख लीजिए, आराम से हो जाएगी। ये वो कॉमन क्वेश्चंस है जो हमेशा स्कोरिंग टॉपिक्स इसको बोलते हैं हम लोग। अगर आप 80 में से अभी तक हमने DI काउंट ही नहीं किया, पजल्स काउंट ही नहीं किया, तो 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर करते हो, बहुत इजीली। तो आपको वर्क क्या करना है, पहले बेस पे, पहले जड़ पे कमांड कीजिए, बेस को इतना मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि सवाल वहाँ से गलत हो ही ना, तब जाके हम बात करें आगे की। इतनी बात वो करनी पड़ेगी तब हमको आगे की बात करेंगे। अगर मान लीजिए
अगर आपने ये सब चीज़ें स्ट्रांग कर ली, अगर आपने इतना सब कुछ स्ट्रांग कर लिया, आपने रक्त संबंध कर लिया, क्वालिटी कर ली, इनक्वालिटी, अल्फाबेट, सेटिंग्स, ये स्लॉग सब कर लिया, जब आपने ये सब कुछ कर लिया उसके बाद हम बढ़े अपने एडवांस वर्जन पे। एडवांस वर्जन देखो, ये सब कुछ सब लोग करते हैं, ये चीज़ें हर कोई करता है, हर कोई, जिस भी बच्चे बैंक की तैयारी करें हर कोई देगा। लेकिन आप लोग को क्या है, इससे बेस को मजबूत करना है, आपको बेस मजबूत होने चाहिए, बेस। अब आप हो गए सबके बराबर, सबके बराबर हो गए, लेकिन अब आपको दूसरों से अलग बनना है। अलग कैसे बनोगे आप लोग? डीआई को सॉल्व करके, डीआई को सॉल्व कीजिए, पजल को सॉल्व करके और अर्थमेटिक को करके। इन तीन चीज़ों से बनोगे आप बाकी लोगों से अलग, इन चीज़ों से बनोगे आप लोग बाकी लोगों से अलग बनोगे। डीआई मैं आपको बोल देती हूँ, आपको लगता है मेरे को टफ लगता है डीआई, कोई दिक्कत नहीं, डे टफ कैसे लगेगी? आप डेली मैं आपको टारगेट दिया करूँगी, मैं आपको डेली टारगेट दिया करूँगी, उस टारगेट को फॉलो किया करो। देती भी हूँ मैं, अगर सुबह देखते हो आप लोग टारगेट में देती हूँ सुबह सुबह, उस टारगेट को फॉलो करा करो। उस टारगेट में मैं शुरुआत में जब भी पढ़ाई का बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि शुरुआत में आपको एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है, वार्म अप एक्सरसाइज, ये दिमाग को गर्म करती है, ये आपकी किसको करती है, दिमाग को गर्म। ये हमेशा जब भी मैंने एग्जाम दिया है, जो भी एग्जाम दिए, हमेशा मैंने वार्म अप एक्सरसाइज की है। दो तीन महीने पहले शुरुआत करो उस एक्सरसाइज की। क्या करना है आपको, जब भी पढ़ाई करने बैठो रेगुलरली टाइम दो, 15 मिनट दो स्क्वायर्स को, 15 मिनट दो क्यूब्स को, 15 मिनट दो टेबल्स को, 15 मिनट दो आप लोग क्वालिटी क्वेश्चन को, चाहे 10 सॉल्व करो डेली करो, 15 मिनट दो आप लोग सीरीज को, 15 मिनट दो पजल्स को, 15 मिनट दो ये सब चीज़ों को, 15 मिनट दो के, तो 2 घंटे आपको उन चीज़ों पे देने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका बेस मजबूत होगा और वो चीज़ भूलोगे नहीं कभी, हमेशा ध्यान रखो 15 मिनट। सेम ये काम करो, अगर आप डेली बिना रुके डेली अगर आप 3 DIB सॉल्व करते हो, रेगुलर करते हो, तो आपके लिए अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अगर पजल रेगुलरली 5 पजल भी सॉल्व करते हो तो अपने आप पजल कर पाओगे आप लोग, रेगुलरली करिए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्थमेटिक, बच्चे क्या बोलते हैं, इसको मिसलिनियस है, छोड़ दो। आपके मन में ख्याल आता है कि भाई अर्थमेटिक तो मिसलिनियस चीज है, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना नहीं अर्थमेटिक को, ये वो ब्रह्मास्त्र है बेटा, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको बाकी लोगों से बहुत 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 आगे ले जाएगा। बच्चे छोड़ के आते हैं, आपको छोड़ना नहीं बेटा। अर्थमेटिक को कीजिए बेटा, टाइम एंड वर्क हुआ, इतना इजी टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हुआ, प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स हुए, टॉप इतने ईजी हैं, इनसे एक सवाल बनता है, अगर आप कर लोगे इनसे तो आप बाकी लोगों से ऊपर जाओगे। देखो आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर नहीं करना, आपको देखना ये कि बाकी लोग क्या नहीं करते, आपको वो चीज़ भी करके जी की जानी है। अगर आप उनको ये देख लोगे भाई ये लोग वो नहीं करते हमें वो कर लेंगे, तो आप बाकी लोगों से अलग पहुँच जाओगे। आपको यही देखना है केवल, आपको पूरे मार्क्स स्कोर नहीं करने, आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने। ज़्यादा कैसे स्कोर करोगे, जो लोग बाकी चीज़ को छोड़ के जाते हैं उस पर आप कमांड बनाइए, तब सही काम होगा। रेगुलर की हैबिट डालिए कि हमें रेगुलर 3 DI करनी करनी है, रेगुलर 5 पजल करनी करनी है, रेगुलर 1 घंटा हमें कैलकुलेशन में देना ही देना है। अगर आप रेगुलरली 10 मिनट क्वालिटी क्वेश्चन में देना ही देना है, रेगुलरली 10 मिनट मिसिंग नंबर में देना ही देना है, आप एक कॉपी मेंटेन कीजिए। मैं भी करती थी, एक कॉपी को मेंटेन कीजिए, उस कॉपी में डेली देखिए, डेली को पहले नंबर पे क्वालिटी, दूसरे पे सीरीज, तीसरे पे DI, चौथे पे पजल, ये 4 चीज़ में डेली सॉल्व करनी है, रेगुलरली 1 घंटा करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप चीज़ें स्ट्रांग होगी। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको आपके एग्जाम के करीब लेके जाएंगी। तो समझ गए आप डर, तैयारी कैसे करें समझ में, पहले बेस को मजबूत करें, बेस को मजबूत करने के बाद बढ़े आगे तरफ। समझ में क्या, तैयारी कैसे करें और कितने मार्क्स स्कोर करने बता दीजिए। तो आई थिंक अब आपको आरबी पीओ की पूरी स्टैटिक्स समझ में आ चुकी होगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसा आपको होना चाहिए, कितनी तैयारी करें। अब ये मैं बोलना घंटे कितने पड़े, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप वर्किंग में हैं तो आप चाह के भी 3 घंटे से ऊपर निकाल नहीं पाएंगे, अगर आप फ्री हैं तो आराम से बेटा पढ़िए। देखो एक और बताऊंगी मैं आपको चीज़ें, जो फ्रेशर्स हैं उनको पता होगा इस समय उनके मार्क्स कितने आएंगे, 20-25 मार्क्स आ रहे होंगे, तो आप उन मार्क्स को कैसे बढ़ाओगे, ये सब चीज़ करके आप 15 दिन करके देखिए, सब चीज़ें को रेगुलर फॉलो कीजिए, अपने आप मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये था पूरा सिनेरियो आपका आरआरबी पीयू का, आरआरबी क्लर्क का, तैयारी कैसे करनी है, नोटिफिकेशन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, टोटल ओवरव्यू आपको दे दिया है। आई थिंक आपको ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी और आपको ये सब करने में, अपना टारगेट को अचीव करने में आसानी रहेगी। रेगुलरली मेरे वीडियोस आते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, रेगुलरली मेरे टारगेट के वीडियोस भी आते हैं कि जैसे कि आपको टारगेट को पूरा करने में भी मदद करेगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगा हो कि आपके लिए यूज़फुल था ये वीडियो, बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर आप नए थे, पहली बार ही जुड़े हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों को और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।